अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th मैथ साइंस एक्सरसाइज फॉर 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक्सप्रेस एज द रेशियो ए बी एंड एज फ्रैक्शन। 4 केजी एंड 2 केजी 750 ग्राम। 4 केजी इज इक्वल टू 4000 ग्राम, 2 केजी इज इक्वल टू 2000 ग्राम, 750 ग्राम, 4000 ग्राम, 2750 ग्राम, 0 0 से गया, 400:275। 25 के टेबल पे गया, 25 1 40, 26 150, 21 21 और 25 1 25, ये आ गई रेशियो। तो 16:16, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया 16/11। 27 मिनट 30 सेकंड एंड 1 आवर, इसको हमने चेंज करना है रेशियो में। लेकिन सबसे पहले इनके जो यूनिट हैं वो सेम करने हैं। यूनिट सेम करने के लिए 27 मिनट के 1620 सेकंड बने, ये 30 सेकंड उसी तरह आ गए। एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होता है, 1620 सेकंड और 30 सेकंड जो है ये 1650 सेकंड और ये 3600 सेकंड, इसको रेशियो में चेंज कर दिया। 0 0 से गया, ये रह गया 165, ये रह गया 360। अब इसको 15 के टेबल पे डिवाइड कर दिया, इसको 15 पे डिवाइड कर दिया, मज़ीद डिवाइड नहीं होते तो ये रेशियो पे जवाब आ गया और ये फ्रैक्शन में 11/24। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे, इफ़ 3 × 4x − 5y इज इक्वल 2x − 7y, फाइंड द रेशियो एक्स वाई। ये क्वेश्चन इसी तरह लिख ली, 3 को अंदर से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 3 5 15, ये रकम उसी तरह आ गई। अब x वाली रकमें लेफ्ट पे ले गए और y वाली रकमें राइट पे ले गए। 12 में से 2 निकाल दिए 10 आ गया, 15 में 7 निकाल दिए 8 आ गया। अब x ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट पे जाके डिवाइड हो गया। अब इसको रेशियो में चेंज कर दिया, x रेशियो y 8:10, 2 के टेबल पे कटिंग कर दी, ये हमारा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 5 जो है वो सेम है, इनमें से मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। इफ द रेशियो ऑफ 3x + 1 + 6 + 4x + 2 = 5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये जो रकमें हैं इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, इसको आगे हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 5 1 5, 2 6 12, 2 4 8। अब फिर एक्स वाली रकमें लेफ्ट पे ले गए और कांस्टेंट राइट पे ले गए, 15 में से 8 निकाले 7, 12 में से 5 निकाले 7, ये 7 जाके डिवाइड हो गया 7 7, और एक्स हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। इफ 10 इज एडिड इन ईच रेशियो 4:13, वी गेट न्यू रेशियो 1:2, व्हाट आर द नंबर। अब यहाँ पे लेट कर दिया मैंने कि ये जो है ये असल नंबर नहीं है, ये उसकी रेशियो है। हमने इसके साथ भी एक्स लगा के, इसके साथ भी एक्स लगा के, हमने वो नंबर लेट कर लिया, लेट द नंबर 4x 13x। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन ये है कि ये जो नंबर हमने लेट किया है इसमें 10 ऐड कर दें तो हमें रेशियो 1:4 रेशियो 1:2 बन जाती है। अब इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, फ्रैक्शन में लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इन से दोनों से मल्टीप्लाई होना है 13x, 2 + 10 1 10, 2 9 दोनों से मल्टीप्लाई होना है 2 4 8, 2 10 20। फिर एक्स वाली रकमें लेफ्ट पे और कांस्टेंट राइट पे ले गए, 13 में से 8 निकाले 5, 20 में से 10 निकाले 10, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया, एक्स इजिकल टू 10/5 2। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर देनी है, 4 × 2 13 × 2, 2 4 8 13 2 26, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ 9 PQ/2 LM इज इक्ल टू 18 PQ/2 M देन 5 Q हमने फाइंड करना है।
ये रकम इसी तरह लिखी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये रकम आ गई। जब ये रकम आ गई तो हमने, हमें ज़रूरत है 5Q की, 5Q इधर रख लिया, बाकी 9P और 5M, 9P जो है और M दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। 9 1 9 9 2 18, P से गया, M से गया, 2 2 4L हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कास्ट ऑफ 8 kg इफ़ के 5 kg कास्ट आर एस 250। हमने इसको प्रोपोर्शन की शक्ल में लिखा, कास्ट प्रोपोर्शनल kg रेशियो kg। अब पहले सुने गए फाइंड द कास्ट ऑफ 8 kg, कास्ट मालूम कर रही है कितने की, 8 kg की, इफ़ 5 kg कास्ट 250। अब प्राटा मीन प्राटा स्ट्रीम जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, प्राटा मीन और प्राटा स्ट्रीम इक्वल होते हैं। यहाँ पे प्राटा स्ट्रीम किया तो ये और ये एक्सट्रीम में आते हैं, एक्स मल्टीप्लाई 5, और ये दोनों दरमियान वाले मीन में आते हैं, ये हमने 250 मल्टीप्लाई 8 लिख दिया। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह के डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25 और 0 का 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 400 जो है ये हमारी कास्ट आ गई कितने की, 8 kg की। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ a ratio b इज इक्वल टू 7:6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b = 7b - 5a। अब यहाँ पे बेटे a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 6 है, ये रकम हमने लिखी, इसको रेशियो में लिखा, रेशियो में लिखने के बाद a की जगह पे a की वैल्यू लगा दी 7, b की जगह पे b की वैल्यू लगा दी 6, फिर 7b है, यहाँ पे b की वैल्यू 6 लगा दी, यहाँ पे a की वैल्यू 7 लगा दी, 3 7s are 21, 5 6s are 30, 7 6s are 42, 5 7s are 35। इन दोनों को प्लस किया 51 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 7 आ गया, ये फ्रैक्शन में है, हमने रेशियो में लाना है 51:7। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसके 5 पार्ट है, मैंने क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 लिखा है क्योंकि सारे पार्ट्स का तरीका एक ही है, प्राटा मीन प्राटा स्ट्रीम वाला फार्मूला लगा के ये सॉल्व हो जाएंगे। ये रकम लिखी, प्राटा मीन प्राटा स्ट्रीम, मीन के अंदर दरमियान वाले दोनों आ जाते हैं, ये दोनों लिख दिए, एक्सट्रीम में साइड वाले दोनों आ जाते हैं वो लिख दिए, x-1 x-1 से गया, 2 1 2 2 2 4, ये रकम रह गई 5/3, और ये रकम रह गई इस 2 ने, इससे मल्टीप्लाई 2 2 2x - 2 3 6, नीचे वाली रकम वही आ गई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 ने x से मल्टीप्लाई 5x, 5 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है तो 5 4 20, 3 2 6, 3 6 18। एक्स वाली रकमें राइट पे ले जाओ, एक्स के बगैर वाली लेफ्ट पे ले आओ, तो ये हमारा आ गया 6x - 5x और ये 38, ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया। ये सारी एक्सरसाइज कर लें फिर इंशाल्लाह हम दूसरे सवाल करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।